हेलो एवरीवन, आई एम अटाय सर। मैंने वर्कआउट में चैनल पिछले लेक्चर मैंने 5.2 कंप्लीट कर लिया था। बात है नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 पे, ठीक है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर वन में, दैट इज़ फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपी आपको गिवन है इसमें, और जो टर्म्स है उसके सम फाइंड करने, मीन्स यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द एपी। सबसे पहले आपका गिवन है 2, 7, 12, 2, 10 टर्म्स। अब देखो यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है। सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला लिख लो, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू, ये यूज़ होगा, या फिर आपका यूज़ होगा फॉर्मूला कौन सा, और करके एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू 2a ए प्लस एल, या कभी कभी यहाँ पे l के जगह पे an भी लिख दिया जाता है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इतने तरह से कुछ, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या क्या गिवन है भाई, तो देखो गिवन दैट, हाँ जी, द एपी, एपी क्या है आपकी 2, 7, 12, 2, 10 टर्म्स, द फ्रॉम, सो फ्रॉम द अबव एपी वी हैव, बताइए एपी गिवन से क्या क्या आप इन्फॉर्मेशन निकालते हो। ए की वैल्यू कितनी 2, डी की वैल्यू 7 माइनस 2 डेट इज़ 5, और एन की वैल्यू कितनी है 10, तो आपको फाइंड क्या करनी है, एस एन इक्वल्स टू व्हाट। चलिए यहाँ तक। अब आइए इम्प्लाई, अरे हो सेंस वी नो दैट, अब एस एन में आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब वैल्यू पुट करने हैं, तो पुटिंग द वैल्यूज वी गेट, वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ से इम्प्लाई एस एन क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पे 10, ये हो जाएगा 10/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू आपकी है 2 प्लस 10-1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज व्हाट 5। क्लियर यहाँ तक। अब चलिए आगे आपको क्या हो जाएगा, ये एस एन इक्वल्स टू 5 × 2 × 4, ये हो गया 9 × 5, इम्प्लाइज एस एन इक्वल्स टू व्हाट 4+45, ठीक है। ये यहाँ पर 5 है, तो यहाँ से बताइए इम्प्लाइज एस एन 5 × यहाँ पे, अच्छा 49 हो जाएगा, 45+4, ये हो गया आपका एस एन इक्वल्स टू 9, 5 जो 45, ठीक है। कैरी 4, 4 फिर 24, 24 हो गया, तो यहाँ से 245 वैल्यू किसकी आ गई, एस एन की, तो फाइनली क्या लिखोगे, गए हैंस सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी विल बी व्हाट 245 इज योर आंसर, ओके। इसको नोट कर लीजिए, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।